उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये बहुत सख्त कलाम है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु जानता था कि उसके शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं। तुम इस बात से ठोकर खाते हो, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते हुए देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदे नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाए वो कौन है और उसे कौन पकड़वाएगा। मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में बेहतरे वापस चले गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। और तुम सब, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कुद्दुस तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? और तुम में से गद्दार है। उसने शमूएल इस्करियोती के बेटे यहूदा की बाबत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था।